सोलन जिला में डेंगू बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। डेंगू बुखार ने सोलन के परमाणु में कामली व तकसाल के इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। सोलन में अभी तक 170 के करीब डेंगू बुखार से पीड़ित मरीजों का उपचार जिला के विभिन्न अस्पतालों में किया गया। प्रशासन द्वारा डेंगू से निपटने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग को हाई अलर्ट कर दिया गया है। परमाणु में कुछ उद्योगों में प्रशासन को डेंगू से निपटने के लिए सहयोग नहीं किया जा रहा है, जिसके लिए ऐसी परमाणु तहसीलदार व नायब तहसीलदार की अगुवाई में टीमों का गठन किया गया है, जो उद्योगपतियों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण व आसपास के इलाकों में फैल रहे डेंगू के मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों पर नजर रखे। स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा भी डेंगू से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। अधिक जानकारी देते हुए एडीएम संदीप नेगी ने बताया कि सोलन के परमाणु के कामली व टकसाल के नजदीकों में डेंगू बुखार का प्रकोप ज्यादा है। उन्होंने बताया कि डेंगू की रोकथाम के लिए प्रशासन द्वारा ऐसी परमाणु तहसीलदार व नायब तहसीलदार की अगुवाई में टीम का गठन किया गया है, जो इस पर पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी उद्योग प्रदूषण फैलाएगा और डेंगू की रोकथाम में सहयोग नहीं करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जो हमारे हॉस्पिटलों में चेक होके डेंगू के केसेस नोटिस में आए हैं, वो आज तक लगभग 170 के करीब है। परवाणु और परवाणु के साथ लगते जो क्षेत्र है, विशेषकर कामली और टकसाल के एरिया में डेंगू का प्रकोप है, तो प्रशासन इससे लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। हमारे जो हेल्थ के लोग हैं, वो घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं खड़ा पानी ना हो। इसमें हमारी टीमों को कई जगह दिक्कतें भी आ रही है, खासकर से जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो उन्हें अंदर नहीं छोड़ रहे हैं। इसके लिए हमने एसी परवाणु और तहसीलदार नायब तहसीलदार को जो है एपिडेमिक एक्ट में जो है मैजिस्ट्रेट घोषित किया है। इस तरह की चीज जब नोटिस में आ रही है तो हमने उन्हें डायरेक्शन दे दिया है कि उनके खिलाफ जो है चालान किया जाए और जो है उनका बिजली पानी बंद करने की जो है उनको नोटिस दिया जाए।